उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल बढ़िया हो गए। हाँ, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग तरीके से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक व्लॉग स्टाइल में है, और ये व्लॉग मेरे DSLR से नहीं शूट हो रहा है, ये व्लॉग शूट हो रहा है मेरे फोन से। मैं लाइट ऑन करता हूँ अभी, मैं वैसे भी अभी सो के उठा हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये जो व्लॉग शूट हो रहा है, ये व्लॉग किस चीज़ से शूट हो रहा है, हाँ जैसे मैंने बोला किस चीज़ से, मेरे फ़ोन से ही शूट हो रहा है। सैमसंग गैलेक्सी M31 ऐसे ये फ़ोन जिससे ये व्लॉग शूट हो रहा है। क्या स्पेक्स है सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा, थोड़े से बस व्लॉग स्टाइल में इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट कर रहे। A few minutes later. तो ये इस फोन का पूरा ये बॉक्स है, सब कुछ है, ज्यादा लिखा वुखा नहीं, वरना अगर ऐसे बॉक्सेस पे बहुत कुछ लिखा होता है। और इस पे अगर हम देखें प्राइजिंग क्या लिखी है, ओ प्राइजिंग इस पे 25,000 लिखी है, इतने का ही। ये फोन 22 का है मेरा, 8+128 GB। और अगर आप लोगों को बॉक्स के कंटेंट्स दिखाऊं, आजकल बॉक्स के कंटेंट्स होते क्या है, कुछ किताबें वगैरह मिल जाएगी, जो कि ये इधर पड़ी है इसके अंदर कुछ हमारी, निकालता हूँ अगर मैं ये बुक्स किताबें, पढ़ाकू बच्चों के लिए, अगर आप पढ़ना पढ़ाकू लोग अगर पढ़ना उड़ना चाहते हो तो ईजली इन क्विक स्टार्ट गाइड्स को पढ़ लो, थोड़े से पढ़ाकू वक्कू बन जाओ। और अगर मैं इसका चार्जर दिखाऊँ, जो कि मेरे को इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा, हाँ इसका प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि जो इसकी चार्जिंग है, जैसे कि आप अडैप्टर पे देख पा रहे हो, ये एक 25 वॉट्स का चार्जर है जो कि मेरे को बॉक्स के अंदर ही मिला था। और एक और अमेजिंग बात जो इसमें है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो, हाँ ये एक Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है, मतलब कि दोनों तरफ, यस दोनों तरफ इसमें हमें टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों पोर्ट्स टाइप सी ही है। तो ये एक मतलब सही किया है यार, मतलब 22,000 की रेंज में हमें टाइप सी देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं, इसमें 6000 mAh की बैटरी है, जो कि ये जो आपने जो भी चार्जर देखा, ये 25 वॉट्स का जो चार्ज है, इससे ये जो बैटरी है, मैंने अभी तक पूरी जीरो तो गेरी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो करो, मैं कभी अपनी बैटरी 20% नीचे अपने स्मार्टफोन की गेरता नहीं हूं। तो इसको मैंने 30 तक गेरा, मैंने फिर इसको 100% चार्ज किया, और ये जो बैटरी है इसकी 30 to 100 1 hour 15 minutes, क्योंकि मैंने कैलकुलेट लिटली मैंने कैलकुलेट किया, 1 hour 15 minutes में चार्ज हुई। अब अगर हम आते इसकी बैटरी मतलब कैसा बैकअप देती है, मैंने अपना फोन कल सुबह चार्ज किया था, इस चीज का, इस फोन की बैटरी का तो मतलब लिटरली गाइस मैं ना फैन बन गया हूं। मैंने अपना फोन कल सुबह चार्ज किया था, कुछ 11:30 के आसपास चार्ज किया था। और अगर अभी हम टाइम देखें, अभी जो टाइम हो रहा है जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, वो हो रहा है 10:03, मतलब अभी जब लोगों के साथ बात करो सुबह के 10 बज रहे हैं, और जो इसकी बैटरी है वो 62% है, और मेरी स्मार्टफोन यूसेज मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन इंस्टा पे मैं सर्फिंग ही करता हूं और कुछ नहीं मैं करता हूं, या स्नैपचैट, बाय द वे मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, ID मी अश्मित और स्नैपचैट पे अश्मित सिंह 7। चिल मस्ती चलती रहती है। अब हम बात तो कर ली इस फोन के बैटरी के बारे में, अब कैमरा टेस्टिंग तो बनती ही है, तो उठते हैं। और मैंने ये फोन क्यों, मैं इस फोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने ये फोन जो लिया, मैंने वीडियोग्राफी के ही लिए ही लिया है, ताकि हर जगह DSLR नहीं लेके जा सकते, तो कुछ कुछ वीडियोज वगैरह शूट करनी होती है, तो वहां पर काश मैं मतलब एक अच्छा फोन होना चाहिए ना जहां से शूट कर पाए। तो 22,000 की रेंज में इसको सबसे अच्छा फोन यही लगा। अभी चलते हम इसका कैमरा टेस्ट करने, तो चलो फिर चले। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, अभी बेसिकली मैं जो ये जो शूट कर रहा हूँ, मैं अभी अपने DSLR से कर रहा हूँ, मेरा फोन अभी मेरी पॉकेट में है, क्योंकि अब फोटो भी इससे लूंगा और आपको शो भी करूंगा, वो तो दोनों चीजें एक साथ ऑब्वियसली बात है पॉसिबल है नहीं, तो अभी इसी से शूट कर रहा हूँ। इस फोन की सबसे आपको अमेजिंग बात बताता हूँ, जो कि है ये, इसका ये जो आप कैमरा देख पा रहे हो ये वाला, हाँ ये वही है, वो 10 रुपये का कैमरा, अगर आप नहीं समझे क्या, आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा मैं। तो अभी जल्दी से शूट स्टार्ट करते हैं।
मैं फ़ोटो किस चीज़ के लेने वाला हूँ, अगर आप लोगों को दिखाऊँ, ये जो दोनों आप ये जो पेड़ देख पा रहे हो, अभी मैं इसी की फ़ोटो लेने वाला हूँ इसी फ़ोन से। पहले आप इस फ़ोन का एक लुक देख लो, इसका जो फिंगरप्रिंट है वो एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि ये देख पा रहे हो लॉक बटन पे इसके फिंगरप्रिंट सेंसर। तो लॉक खोलता हूँ मैं, ब्राइटनेस लो है, जल्दी से ब्राइटनेस को हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इस फ़ोन का यहाँ से आप ये लुक देख सकते हो, यही है वो फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M31S। इस फ़ोन का ना मेरे को कलर बड़ा सही लगा, अगर मैं आपको इसका जल्दी से कलर दिखाऊं, मैंने अभी पीछे कवर ख़रीदा हुआ है, सैमसंग वालों ने साथ कवर नहीं दिया, मेरे को सैमसंग वालों को बजट रेंज में साथ कवर देना चाहिए। ये देखो, मतलब इस फ़ोन का कलर मतलब नेक्स्ट लेवल का ही है टोटल ओवरऑल इसका। तो ये फ़ोटो मैं लेने लगा हूँ, 3, 2, 1 गो। और इसमें वाइड एंगल मोड भी है, ऑब्वियस ही बात है सैमसंग है तो क्यों नहीं मिलेगा। तो एक वाइड एंगल मोड में भी ये देख लो आप, इसमें वाइड एंगल मोड इसका। तो जल्दी से एक वाइड एंगल मोड में भी हम एक शॉट ले लेते हैं। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को ये दोनों फ़ोटोज़ दिखाऊं, तो ये कुछ ये दोनों ये फ़ोटोज़ है, और अगर हम इन फ़ोटोज़ की डिटेलिंग चेक करें, थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं, ये डिटेलिंग अच्छी है यार, नॉट सो बैड। अगर डिटेलिंग के मामले में हम बात करें, इतनी भी बुरी नहीं है यार डिटेलिंग। ये बिना वाइड एंगल वाला शॉट है, मतलब जो एक्चुअली है, मतलब वो जो उधर वो जो कच्चा है, मतलब कच्चा ही बोलते, मेरे को नहीं पता क्या बोलते है, इसने इसको पूरा कवर किया है, तो ये एक मतलब सही बात है यार। तो अब ये टेरिस पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ शॉट्स लेते हैं। मैं फिर से फ़ोन की तरफ को स्विच हो चुका हूँ ताकि आप बाहर देख पाओ कि बाहर ये कैसा है। यहाँ पे मेरा DSLR है, मतलब मैं DSLR से नहीं शूट कर रहा हूँ, अभी जो मेरी वीडियो शूट हो रही है M31S से शूट हो रही है, ताकि आप देख पाओ कि बाहर अगर हम इसमें वीडियोज़ बनाए तो क्या क्वालिटी आती, कैसे आती है। आँखें तो मेरी खुली नहीं रही है यार धूप में। और अगर मैं आपको सबको दिखाऊं, ये जो फ्रंट है वहाँ पर एक फ्लैग उड़ रहा है हमारे इंडिया का, तो अभी हम इसका टाइम लैप्स बनाएंगे और देखते हैं कि कैसा टाइम लैप्स इसमें बनता है, सब कुछ इसमें कैसा बनता है। आगे हाइपर लैप्स देख के, चलो अच्छी बात है अगर देख पा रहे हो। अगर हम अब डिटेलिंग चेक करें मेरे पसीने की, इतना पसीना आया हुआ है, देखो यहाँ पे शाइन आ रहा है गाइस, इतने एफर्ट कर रहा हूँ यार इस पसीने के लिए। एक सब्सक्राइब, जो जो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट, उस लाल को, मतलब लाल गर्मी का कलर है और ग्रे ठंडक का कलर है, तो उस लाल को फटाफट ग्रे करके ना ठंडक पहुंचा दो यार। मैंने ये फ़ोन क्यों लिया, मैंने इसका कैमरा करके लिया, फ़ोटोज़ करके नहीं, क्योंकि मेरे को इसकी वीडियोस की क्वालिटी जो कि आप देख पा रहे हो, मतलब मैक्सिमम मैंने आज की वीडियो इसी फ़ोन के कैमरा से शूट करी है। बीच बीच में DSLR लिया क्योंकि टेस्टिंग करनी थी, आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर दिखाना था, तभी मैंने बीच बीच में DSLR ऑब्वियसली बात है यूज़ करा। अब आप बताओ कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। ये फ़ोन अगर मैं बात करूँ मैंने कितने का लिया, ये फ़ोन मेरे को कुछ 22,000 का ये फ़ोन है, 22,990 का मेरे को वाला स्मार्टफोन पड़ा, अमेजोन से परचेज करा है। तो अगर आप इस तरह के और ब्लॉग्स देखना चाहते हो, या अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत किया जाता हूँ अगले, एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक करो, वायरल करो अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के बीच में। तो करते हैं आज की वीडियो यहीं पर एंड, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, पीस।